अभी तक फिजिकल में किसी के 100 नंबर आए हैं क्या? जोर से बोलो, अभी तक फिजिकल में किसी के 100 नंबर आए हैं? नहीं, 80 नंबर, 80 से ऊपर है, कितने 80 से ऊपर हाथ खड़े करो, 80 से ऊपर। चलिए भारत माता की, चलिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मेरा राम राम, आप सभी को मेरा जय जोहार। इस वक्त हम वर्तमान में बालाघाट जिले में हैं और जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला इसे कहा जाता है, तो इसमें आप महिलाओं की संख्या भी देख लिए होंगे। साथ ही मैं पहले तो मैं इनसे परिचय आपका करवा देता हूँ। ओम प्रकाश दमाहे एबी फिटनेस एकेडमी के नाम से जो है वर्तमान में यह बच्चों को फ्री में फिजिकल दे रहे हैं। जो भी आकर के बालाघाट में फिजिकल करना चाहता है तो यहाँ पर वो फ्री में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। वैसे भैया 2016-17 बैच के फॉरेस्ट में है, वर्तमान में फॉरेस्ट में ही बालाघाट जिले में पदस्थ है, ठीक है। चलिए तो मैं बच्चों से कुछ पूछना चाहूंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे लगभग 150 से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। इनसे मैं हर किसी से पर्टिकुलर तो मैं नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर पूछ लूंगा कि अभी तक फिजिकल में किसी के 100 नंबर आए हैं क्या? तो जोर से बोलो, अभी तक फिजिकल में किसी के 100 नंबर आए हैं? नहीं, 80 नंबर, 80 से ऊपर है, कितने हैं 80 से ऊपर हाथ खड़े करो, 80 से ऊपर, ठीक है। देख रहे हो आप, 80 से ऊपर वाले भी यहां पर बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात है कि जो आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, मैं आप पिछली बार देख लिए होंगे, मैं छतरपुर से आपको लाइव दिखाया था, अनूपपुर से लाइव दिखाया था, पचमढ़ी से लाइव दिखाया। इसके बाद में जो है कल मैं मंडला गया था सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, लेकिन मंडला के ग्राउंड में भाई कोई नहीं मिला। 6 से 8 बजे तक मैं वहां पर बैठा रहा, लेकिन मंडला में कोई नहीं मिला। हो सकता है बच्चे कहीं और बाहर फिजिकल करते होंगे, वहां वाले स्टेडियम में नहीं जाते होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बालिकाओं से 2-4, 8-10 बालिकाओं से रिव्यू ले लेता हूँ, उसके बाद मैं बालकों के पास पहुंचूंगा, ठीक है। कैटेगरी कौन सी आपकी? सर ओबीसी। नंबर कितने हैं? 72। फिजिकल में क्या है? सर कुछ? अभी काउंट नहीं किया फिजिकल का। फिर भी तीनों इवेंट का आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि कितना कितना जा रहा है। सर गोला 17-18 चले जाता है, लॉन्ग जंप 8-9 हो रही है, और रनिंग का भी टाइमिंग नहीं लगा है। रनिंग का टाइमिंग नहीं लगा? यस सर। चलिए ठीक है। आपकी कैटेगरी? ओबीसी। और नंबर? 67। और फिजिकल के तीनों इवेंट को बता दीजिए आप। सर गोला 20 तक गया था लास्ट टाइम, और लॉन्ग जंप 10 तक गई थी, और रनिंग का 4 मिनट आया था। अभी तो हम रनिंग में नहीं आए हैं। चलिए ठीक, आ जाओ, थोड़ा आगे आते जाना, उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपका? सीमा डहरवाल। सीमा डहरवाल। कैटेगरी? ओबीसी। नंबर कितने हैं? 79। और तीनों इवेंट को बता दीजिए विस्तार से। सर रनिंग में है 3:30, और गोला जा रहा है लगभग 17, और लंबी कूद 10। अच्छा, फिजिकल में 145 या 50 नंबर हो रहे हैं 100 में, ठीक है। नहीं नहीं 145 या 150। अच्छा, दोनों मिला करके। हाँ। नंबर कितने बोले थे आप? 79। मतलब 80, तो 8 और 6, ठीक है, 65 नंबर के समथिंग फिजिकल में होना चाहिए, लेकिन ठीक है बताने के हिसाब से। दूसरी चीज मैं यहाँ पर बता दूं आपको, 70 से ऊपर नंबर वाले कितने लड़के हैं बालिका हैं हाथ खड़े करें, ठीक है। 70 से ऊपर बालक बालिका हैं दोनों, ठीक है। 70 से ऊपर वाले देख लो, है ना, अब हाथ नीचे कर दो। अब एक बार बताओ 70 से कम वाले कितने हैं? 70 से कम वाले, अरे हाथ उठाओ भाई, आप भी सेफ हो, डरने की जरूरत नहीं है। 70 से कम वाले और 60 से 70 के बीच वाले, चलो हाथ उठा दो। अरे यार बालाघाट में तो सबके सब परंतु लोग ही दिख रहे हैं यार। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिनका 60 नंबर भी है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से आप फिजिकल करिए। जैसे कि हर बार यहां पर कुछ ना कुछ एक वीडियो बनाने के बाद में कुछ कहना चाहिए डेटा निकल करके आता है। मान लो पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 500 लड़के तैयारी कर रहे हैं। अभी तो यहां पर 500 है नहीं, लेकिन सुबह दोपहर शाम और अलग अलग ग्रुप करके 500 लड़के हो जाते होंगे। मान लो 500 हो गए, 55 डिस्ट्रिक्ट है, 500 हर डिस्ट्रिक्ट का निकाल लो, 27,500 लड़के यहां पर तैयारी कर रहे हैं। कितने? 27,500। इसके अलावा जो तहसील है वहां पर गिने चुने 2-4, 6-8 लड़के कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में
उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहां पर भी कुछ कुछ लड़के तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेड 50,000 समथिंग ही दौड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपका नाम आ जाता है और आप फिजिकल में बहुत अच्छा कर पाते हैं तो 100% आपका एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बसरते वही है कि एक बार आपका नाम आ जाना चाहिए बस, और जो नंबर को लेकर के डर चुके हैं या बैठ चुके हैं घर में, फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, उनको बाद में पछताना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं भी यहां पर 3 महीने तक जब तैयारी किया था इसी ग्राउंड में, उस टाइम पर लॉन्ग जंप की ट्रैक इधर साइड थी, अभी लॉन्ग जंप ट्रैक उधर है, तो हमारे ग्रुप में भी कम से कम 60 से 70 लड़के थे, लेकिन ट्रेनर एक होने की वजह से लड़के मक्कारी करते थे, ठीक है। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि ओपी अकेले पड़ जाते हैं, हो सकता है एक दो लड़के हो, तो आप लोग जो है मक्कारी मत करना। अगर से आप मक्कारी करोगे, ओपी भैया आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इसमें जो है आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तैयारी तो आप कर रहे हो ना, नंबर तो आप ही के बढ़ेंगे ना। आपके कितने नंबर है? 76। कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी। और फिजिकल तीनों इवेंट सर गोला जा रहा है 19 से 20, लॉन्ग जंप 10-11, और रनिंग की टाइमिंग नहीं लगाएंगे। रनिंग की टाइम उतर जानी चाहिए। आजा, आपके कितने नंबर है? 76 मार्क्स है। कैटेगरी ओबीसी है। गोला 18-19 जा रहा है। और लॉन्ग जंप है 10, रनिंग 358 आया था टाइमिंग। जनरल कैटेगरी कौन है यहाँ पर? जनरल कैटेगरी में है कोई? नहीं है। जनरल कैटेगरी देखिए भाई, जनरल कैटेगरी में कोई नहीं है, क्योंकि बालाघाट जिला है, यहाँ पर मुख्य रूप से ओबीसी की संख्या ज्यादा है, ठीक है। लोधी प्लस पवार मिलाकर के बालाघाट, ठीक है। आपसे तो कल इंटरव्यू हो गया था ना? चलो, कितने नंबर है? 68। कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी जनरल तो है ही नहीं, तो या तो ओबीसी है, एसटी है कि नहीं कोई? चलो एसटी। आपके कितने नंबर है? 61। वेरी गुड। कैटेगरी तो एसटी है। यस। और इवेंट बता दो, तीनों इवेंट। सर गोला 15 जा रहा है और रनिंग 3:45 समथिंग, और 4 भी होता है, और लंबी कूद 11 जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, एक एसटी कैटेगरी की महिला फीमेल कैंडिडेट। हाँ चलिए, आपके कितने नंबर है? 61 नंबर। और तीनों इवेंट को बता दीजिए जल्दी से। सर मेरा गोला जा रहा है 70। हाँ। और लॉन्ग जंप 10। और रनिंग 4 मिनट। 4 मिनट जी, ठीक है। थोड़ा इंप्रूव करिए फिजिकल को। चलिए आ जाओ बालकों के पास, जल्दी से चलते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर बताओ एसटी कैटेगरी में कौन है? एसटी कैटेगरी। हाँ चल आ जाओ फिर पूछ लेता हूँ मैं। कितने नंबर है सर? 60 जी। फिजिकल में क्या है? फिजिकल में 80 के आसपास। तीनों इवेंट बताओ। 80 तो सब लोग बोल देते हैं, फिर बच्चे कमेंट करते हैं। तीनों इवेंट में बताओ कितना जा रहा है? 22 जा रहा है। गोला 22 जा रहा है जी। हाँ। लॉन्ग जंप भी 16 के आसपास। 16 के आसपास। और रनिंग तो आ जाएगी सर 220 में। 220 में आ जाएगी। चलो बढ़िया है, फिर आपका फिजिकल बहुत अच्छा है, ठीक है। आपके कितने नंबर है? अभी हम तैयारी कर रहे हैं आर्मी की। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपके कितने नंबर हैं? 79 जी। कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी, बाकी तो सब ओबीसी होंगे। जनरल है कोई? ओबीसी। जनरल है कोई? आज का वीडियो नहीं चलने वाला है मेरा भाई, ठीक है। जनरल वाले तो तुरंत स्किप कर देंगे, मुझे पता चल गया है, ठीक है। तो तीनों इवेंट बता दो जल्दी से। सर बोला जा रहा है 20 फीट, लॉन्ग जंप आ रही 14 फीट, और 800 मीटर आ रही 230 पर जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। आपकी कैटेगरी सर? ओबीसी। ओबीसी, और तीनों इवेंट को बता दीजिए। सर गोला 25-26 जा रहा है, और लॉन्ग जंप जा रहा है 15-16, और रनिंग सर 2:50-2:45 तक आ रही है सर। अच्छा चलो, बट नंबर नहीं बताया। 76 जी सर। चलिए, आपके नंबर कितने हैं? सर नंबर मेरे 70 है। 70 नंबर है। और तीनों इवेंट को बता दीजिए। रनिंग तो धीरे धीरे, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 15 दिन हुआ तैयारी कर रहा हूँ, बाकी मेरे को लगता है 60% तो अभी फिलहाल, बाकी मैं ला लूंगा। चलिए ठीक है। आपका कितने नंबर है? 78। बहुत बढ़िया। और तीनों इवेंट का बता दीजिए। सर अभी मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया। कैलकुलेट नहीं की? कैलकुलेट अभी करना भी मत, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। पहले मस्त फिट हो जाओ और अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद कैलकुलेट करना, ठीक है। चलिए, योगेश भाई है मेरे साथ में, बीएससी किया हुआ है। कितने नंबर है? 73 नंबर है। 73 नंबर है। रनिंग का भी कैलकुलेट नहीं किया हूँ। हाँ। बोला 23-24 जा रहा है, और लॉन्ग जंप। अच्छा, 2017 में जब क्वालिफाइड हुए थे तो उस टाइम क्या मेरिट में बाहर? मेरिट में बाहर हो गए थे। उस टाइम भी कहीं लिगामेंट वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम था ना, हाथ में सूजन आ गई थी। अच्छा, हाँ, हाथ की वजह से। चलिए भाई, तो यहाँ पर आज मेरा दिल खुश हो गया है, बालाघाट जिले में आया हूँ, और मैं भी बालाघाट जिले का ही रहने वाला हूँ। फिलहाल मेरी पोस्टिंग जो है
जबलपुर में है, लेकिन फिर भी मैं एक लड़के से और इंटरव्यू बता देता हूँ। चलिए, कितने नंबर है भाई? सर 77। 77 नंबर है। रनिंग की 30 24 25 तक आ जाएगी सर। 2 24। हाँ। और गोला? गोला 25। लॉन्ग जंप? 16 सर। 16, मतलब फिजिकल भी अच्छा है, नंबर भी आपका बढ़िया है। ठीक है, चलिए अब मैं कितने मिनट का वीडियो हो गया भाई देखना? 9:57। हाँ चलो 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, 10-11 मिनट का। चलिए, आपकी कैटेगरी? सर ओबीसी। रनिंग फिजिकल नंबर कितने हैं? सर 72। 72। देखिए भाई जो है हर बार, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि जिसके 60 प्लस नंबर है एसटी को छोड़ करके, तो उसको तो 100% तैयारी करना ही करना है फिजिकल की। और अगर एसटी कैटेगरी में है तो 52, 54, 55 नंबर भी है तो कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा आपको 10 से कम नंबर में करना है। ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट कट ऑफ गई थी उसके हिसाब से, इसमें भी एक बहुत बड़ा झोल हुआ है बोलते हैं पिछली बार की मेल फीमेल को सेम कट ऑफ पे बुलाया था ऐसा कुछ। ठीक है, यदि सेम कट ऑफ पे बुलाया था मेल फीमेल को, तो फीमेल जनरल कैटेगरी में 67 नंबर कट ऑफ गई थी, इसका मतलब 67 में बॉयज को भी बुलाया होगा, यही तो निकल करके आता है ना। अगर से ऐसा नहीं हुआ है तो फिर मेल फीमेल को सेम में नहीं बुलाया है। चलिए, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं इस साल 2023, आने वाले 2024 में जो है आपके बदन पर एक ऐसी वर्दी हो जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हमको भी ड्यूटी करने में आसानी हो, क्योंकि ड्यूटी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बल की संख्या ऑलरेडी पूरे मध्य प्रदेश में कम है। ठीक है, तो आप सभी को फिर से शुभकामनाएं, बधाई। अपना फिजिकल करिए और मक्कारी बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, भारत माता की। चलिए, एबी फिटनेस एकेडमी। चलिए, एबी फिटनेस एकेडमी में अगर से कोई आना चाहता है तो आ सकते हैं, बालाघाट में है। ठीक है, अगर से कोई रेंट पे रह करके आना चाहता है बाहर के लड़के, तो कम से कम किराया यहाँ पर मिल जाएगा 1000-1200-1500 रुपए में सिंगल रूम। ठीक है, तो आप ऐसे भी आकर के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी को मेरा। राम राम। थैंक यू।